हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो एक बार से सेशन लाइव हो जाए, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा पिन करके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज। ऑल राइट, ओके, चले फिर आगाज किया जाए। ऑल कूल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओके, इट्स लाइव नाउ। शुक्रिया आपका। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज है वीकली एमसीक्यू। तो देखते हैं कि कितना तुम लोग रिवीजन मार के आए हो और कितना यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, क्लास के लिंक को एक बार से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। एक बारी से मैं भी इसके लिंक को शेयर कर देती हूँ, सो दैट बाकी स्टूडेंट भी एक बार जल्दी से जाके क्लास को ज्वाइन करके और क्या अपना रिवीजन कर लें। ठीक है, ओके। तो कैसे बा, क्या हाल चाल है आज आप लोगों के शहर के, कैसे मिजाज हैं? आज आप लोगों के शहर के कैसे हाल हैं? सर्दी वर्दी है कि धूप वूप निकल आई है? वेरी गुड मॉर्निंग अपूर्वा, एंटोनियो, निशी, निशा, गिरीश, वेरी गुड मॉर्निंग रौनक, कुशाल, अमृत, गुड मॉर्निंग समरन, सिमरनजीत, बुद्धिराम, समर, आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चले तो करेंगे यहाँ पे शुरुआत और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इस क्लास के बाद में आपका जो स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे, वो आपका जनवरी का कंपाइलेशन है, जहाँ पे आपको पूरे जनवरी का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, रोहित, अमर, प्रिंस, शुभम, यशुही, यशुही, मौसमी, दिलीप, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, रवि, संदीप, मिष्ठू, राजवंशी, बंगाली बाबू, केरी, ऑलराइट। तो आज आप लोगों के लिए एक कोई थॉट नहीं है, यानी कि आज सुबह का आपका कोई मोटिवेशनल थॉट नहीं है, बट आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज है। ये मैसेज आज सुबह सुबह मुझे आया था। आप देख सकते हो मैसेज का जो टाइम है वो 3:30 बजे का है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आर ओ का जो रिजल्ट था वो कल आ गया है ना। बात यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे आपको ये बताना है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। बात यहाँ पर मुझे ये बतानी है आपको, इसने जो यहाँ पर ये लास्ट वाली लाइन लिखी है ना, विदाउट बुक्स, बात समझ रहे हो? कहने का मतलब यहाँ पर यह, प्रधान काना, अमित, अदिति, आजाद, वेरी गुड मॉर्निंग कोमल। सुनिए, एक्चुअल में क्या होता है कि लाइफ में जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये वाली किताब भी अच्छी है, वो वाली किताब भी अच्छी है, इसको भी पढ़ लेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी किताबों के चक्कर में एक्चुअल में जो ऑथेंटिक किताब होती है हम उसे पढ़ना भूल जाते हैं। कल जब रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास में, बट मैंने ये मैसेज पिक इसलिए किया, इसका रीज़न था, इस बच्चे के पास में कोई भी किताब नहीं थी, उसने कोई एक्स्ट्रा किताबें नहीं खरीदी थी, बट हाँ उसने हर एक क्लास को बहुत प्रॉपर तरीके से किया, उसने अपने नोट्स बनाए और उसने वहाँ से रिवीजन किया। तो अगर लाइफ में आप किसी चीज़ को चाहते हो, तो उसके लिए जब आपके दिल में चाह होती है ना, तो डेफिनेटली आप उसके लिए काम करना चाहते हो। आपको लाइफ में बस यही चीज़ सीखनी है। किताबें आप अपनी अलमारी में कितनी भी क्यों ना बढ़ा लो, इनफाइनाइट बढ़ा लो, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो बस मैं आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि आप एक क्लास करो, दो क्लास करो, 10 क्लास करो, बट ऑथेंटिक क्लास करो, जहां से आपको चीजें सीखने को मिले। बात समझ रहे हैं? चलिए तो इसी के साथ में शुरुआत करेंगे और देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन मैम मेरे पास तो कोई किताब भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल उड़ता आजाद पंछी हूँ। हाँ, अरविंद, मीहू, आकांक्षा, मौसमी, ज्योति, टॉम क्रूज भी आए हैं आज तो क्लास में, छोटी मोटी बात नहीं है भैया ये। बुद्धिराम, ओके हाँ। अब जितने बच्चों का आज पेपर है, आज ओडिशा के अंदर ओडिशा एसएससी का पेपर है, सो विश यू गाइज वेरी 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 गुड लक। अच्छे से पेपर करके आओ, इत्मीनान से पेपर को करके आइएगा, पेपर डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। ठीक है, ज्योति, फिफ्थ सेमेस्टर, कोमल, भटकती आत्मा, हाँ, काली चुड़ैल, गजबी है, ऑलराइट। चलो तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इस क्लास के जस्ट बाद में आपका 8 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, जनवरी का पूरा कंपाइलेशन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑल कूल, एक बार से कमेंट बॉक्स में थम अप करो पटाक से। अच्छा, आप भी विदाउट बुक वाले हैं, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। चलो तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे। मोतीलाल, तन्मय, प्रलभ, सुजीत, तुहीन, पीहू, वेरी गुड मॉर्निंग प्रज्ञा, शिखा,
नेट नहीं चलता है तो मन करता है फोन तोड़ दे, अरे फोन तोड़ दोगे तो दिक्कत ज्यादा है। ऑलराइट, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग सवालों का सिलसिला, और पहला सवाल आपके सामने आता हुआ सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अभी हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जा रहा है, आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है ये डिस्कशन लिया जाएगा ग्लोबल टाइगर समिट के अंदर, ये समिट कहाँ पर आयोजित करी जाएगी, नेम द प्लेस। कृष्णा बंगाली मोना, ये कहाँ पर आयोजित करी जाएगी? अरे आज तो पूर्वा भी आई है, ओहो ओहो कुलदीप, ओके इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा रशिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। सुनिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे देश के अंदर टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, 53 हैं, और यहाँ पे अभी 54th नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार के अंदर डेवलप किया जा रहा है। फिर मैंने आपसे कहा था कि 4th नंबर की एशिया के अंदर जो समिट होने वाली है टाइगर्स की, उसका आयोजन भी किया जा रहा है, उसको हेड कौन कर रहा था, मलेशिया, इसको हेड कौन कर रहा था, मलेशिया। लेकिन अभी 2022 में एक और बैठक का आयोजन होगा ग्लोबल टाइगर समिट, और ये रशिया के अंदर आयोजित किया जाएगा। रशिया वही कंट्री है जो इस टाइम पे यूक्रेन के अंदर नाक में दम करके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया को S-400 मिसाइल इन्होंने दी है, और एक और चीज है AK-203 ये वाली जो राइफल्स है ये भी इंडिया को इनसे ही मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, बताइए अगला सवाल आपके सामने। हाँ, सत्यमंगलम को T-2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, करेक्ट है। अगला सवाल, इंडिया के अंदर सबसे पहला ग्राफिनी इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा, सबसे पहला सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा, लद्दाख, ओके। संदीप कुमार गुड मॉर्निंग, मेरी तबीयत अभी पहले से काफी बेटर है, पहले से काफी बेटर है, अभी फीवर वीवर नहीं आ रहा है, बट हाँ हल्के से टॉन्सिल्स अभी हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ पे खोला जाएगा इसको, केरला के अंदर ओपन किया जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट, ये ध्यान रखना कि जब भी आपसे इनोवेशन की बात आएगी, इनोवेशन की जब बात आएगी तो इनोवेशन इंडेक्स जो है वो नीति आयोग जारी करता है, और इनोवेशन इंडेक्स में नंबर वन पे कौन है, कर्नाटका आपको नंबर वन पे मिलेगा। दूसरा पॉइंट, SDG इंडेक्स हो या फिर SDG अर्बन इंडेक्स हो या फिर यहाँ पर आपसे एजुकेशन इंडेक्स पूछा जाए या हेल्थ इंडेक्स पूछा जाए या फिर एक और इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये जो इंडेक्सेस हैं इनको जारी कौन करता है, ये जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा। यहाँ पे तेलंगाना लिखा हुआ है, ओपन डेफिकेशन फ्री की अगर आप बात करोगे तो अभी हाल ही में यही वो स्टेट है जिसने टॉप किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, बताइए कहा जा रहा है कुकुम्बर और घरकिंस, अभी ये हाल ही में बहुत ज़्यादा हमारे देश की तरफ से एक्सपोर्ट किए गए है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, राइट। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो पम्पकिंस होते हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट हमें बांग्लादेश मिला। सवाल में पूछा जा रहा है कि टोटल कितना यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो इंडिया ने कमाया अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, फर्स्ट पेपर लेस बिल्कुल सही है, केरला हो जाएगा। संदीप कोमल बादल सुचित्रा योगेश फर्स्ट ऑफ फेब आ रही है भाई, काजल लव भूपेंद्र, ओके इसका करेक्ट आंसर बनेगा 114 मिलियन। वैसे ये अमाउंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि किसके यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात करी जा रही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फोम ग्रेनेट यानी कि जो ये क्या नाम है आपका अनार है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन इसका होता है, तो मैंने आपको कुछ स्टेट्स बताए थे, महाराष्ट्र कर्नाटका ये सब, राइट। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताओ कि जो रेमी हेयर्स थे उनके एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगाया गया है, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, तो वो आपको सबसे ज़्यादा उसका मार्केट जो है वो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर मिलता है। तो ये मार्केट्स कहाँ कहाँ पर हैं इनको ध्यान रखना, ये तुम्हारे पेपर में बनेंगे। ओके, अगला सवाल बताइए, कहा जा रहा है कि इंडिया ने अभी हाल ही में हेल्थ रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अभी एक कंट्री के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि एक MOU साइन किया है, पूछा जा रहा है कंट्री का नाम क्या है, पूछा जा रहा है कंट्री का नाम क्या है। हाँ जी, नीरज बलदेव कविता ब्रिजेश कमल, ओके नवीन, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फ्रांस के साथ में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। श्याम मोहन मौर्य आई कैन सी योर कमेंट, तुम्हारा कमेंट जो है बिल्कुल आखिरी में आता है। ओके, अब देखो फ्रांस,
फ्रांस वैसे तो बहुत अच्छी कंट्री है, आपको मालूम ही है, लेकिन इसके लिए ये याद रखिएगा कि पेरिस इसकी कैपिटल, यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको लियोन नाम की जगह भी देखने को मिलती है। ये वही जगह है जहाँ पे आपको इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा, और इंटरपोल के लिए जब भी सवाल बनेगा तो 2022 में, अभी ये समिट होगी कि नहीं होगी वो तो बात की बात है, बट 2022 में इसका जो सम्मेलन है वो भारत के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। एमओयू के फुल फॉर्म की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए कहाँ जा रहा है अभी हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया, चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया बताओ, दिल्ली में होगा एग्जैक्टली, करेक्ट गुलशन, दानिश कांस फेस्टिवल, विशाल ओके, लक्ष्य दिलीप करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा पुष्प कुमार जोशी, पुष्पा नहीं है, पुष्प कुमार जोशी है, कायदे से लिख लेना, पता चला वहां बैठ के ऑप्शन में ढूंढ रहे, अरे यार पुष्पा तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, ये मत करना, तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पर क्या, पुष्प कुमार जोशी। अगला सुनिएगा, सवाल में पूछा जा रहा है विप्रो लिमिटेड, ये क्वेश्चन उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया अभी हम आपको बताते हैं। सुनिए, विप्रो लिमिटेड के अंदर अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया बताइए, देखो चहन ओके, राजन करेक्ट है। सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ, मेरा 4 दिन का छूट गया है, बच्चा पार्टी जितने लोगों का 1 दिन 2 दिन 3 दिन का क्लास छूट गया था जनवरी में, अभी मैं आपको 8 बजे जनवरी का कंपाइलेशन पढ़ाऊंगी, उसे देख लेना, ठीक है, वो कवर कर ले जाएगा आपका। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बद्रीनाथ श्रीनिवासन। अब आप कहेंगे कि मैम सवाल क्यों बनाया, देखो सवाल बनाने का मेरा रीजन ये था कि अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो ब्रांड वैल्यू की एक लिस्ट आई थी, है ना, उस लिस्ट के अंदर आपने देखा था कि इंडिया की तरफ से TCS था, इंडिया की तरफ से HCL भी था, इंडिया की तरफ से विप्रो भी था, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, तो विप्रो भी इस लिस्ट के अंदर था, जिसकी वजह से मैंने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर पिक किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विप्रो के अंदर अभी हाल ही में ये अपॉइंटमेंट किया गया है, हो सकता है आपसे ये नाम ना पूछा जाए, मे बी आपसे सिर्फ ब्रांड वैल्यू पूछ ली जाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करोगे तो नंबर 1 पे कौन था, एप्पल था। अभी रिसेंटली अगर हम टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो टेली कम्युनिकेशन में जो गूगल है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, और किसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, एयरटेल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इससे पहले गूगल ने किसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, रिलायंस जियो के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए ओके, पश्चिम लहर बताओ, पश्चिम लहर फास्ट ग्रोइंग, बिल्कुल सही है, हां जी, JRF ओके, एग्जाम खेरी, करुणा, नवीन, वर्षा, सीना ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये बनेगा आपका वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड से याद रखिएगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, और ये वाली जो यहाँ पर एक्सरसाइज हुई है इसके अंदर इंडिया की आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, और कोस्ट गार्ड भी है, इन चारों लोगों ने मिलकर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए इंडिया का जो ये वाला जोन है, जो ये वाला एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कौन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुमसे कह दिया जाता कि ये बताओ जो ईस्टर्न वाला नेवल कमांड का जोन है इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो ये बनेगा क्या, विजाग, क्या बनेगा, विशाखापट्टनम, दैट इज विजाग। अगला, लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार्स विलेज, ये किताब आई है, आपको बताना है कि इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, अमित, अरे यार चलो इसका आंसर बताओ, हाँ हाँ हाँ, आरती, प्रदीप, अंजलि, भूमि, क्या हो गया, अब दिखा तुम्हारा कमेंट, मुझे लग रहा है राजस्थान में सर्दी ज्यादा है, इसका आंसर बनेगा MR शरण। देखो यार बिहार इस टाइम पे बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, आपको मालूम है इसके बारे में, बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी किताब जो कि बिहार से जुड़ी होती है तो वो बिहार PSC के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तुमने RO का देखा, कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, प्रिलिम्स निकला है, बट द थिंग इज कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी,
बात समझ रहे हो, आपको वो स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कर सकते कि अच्छा ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया ये फलाना दिमाग का, सब नहीं पढ़ सकते हो आप, समझ गए, क्योंकि दिमाग तो उतना ही है ना। अब दिमाग में हाइपोथैलेमस भी तो होता है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। क्या क्या करें मैम लाइफ में समझ ही नहीं आता। चलो अगला बताओ, इंटरनेशनल कस्टम्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल कस्टम्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? कुमार कोमल, ओह सुमित्रा भैया ओडिशा वालों ऑल द बेस्ट। बताइए, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इजी आंसर है, इसका आंसर बनेगा 26th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये तारीख हमारे लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, और 73rd नंबर का जो रिपब्लिक डे है वो अभी हाल ही में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। और कल आपने अगर देखा हो तो रिट्रीटिंग सेरेमनी भी कल हो रही थी, वो भी दिखाया जा रहा था, उसकी भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड लेवल पर कस्टमर्स डे जो है या कंज्यूमर्स डे जो है वो कब मनाते हैं, तो वो हो जाएगा 15th ऑफ मार्च को मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे जो इसके लिए एक कानून बनाया गया है उसको कब चेंज किया गया, 2019 में, और 2019 में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको भी बनाया गया। एक्चुअल में नागरिकता के लिए जो प्रस्ताव सबसे पहली बार आया था तो वो टाइम पीरियड था 1955 का, तब से लेके अभी तक इसके अंदर टोटल 6 बार बदलाव किए गए हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो ईयर है दैट इज 2019, ठीक है। ये लिखा हुआ है 23rd ऑफ जनवरी, ये क्या है, ये हो जाएगा पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसका हैप्पी वाला बर्थडे, सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, और उसी दिन पे एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम था नेताजी अवार्ड। ये अवार्ड किसको दिया गया, शिंजो आबे जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। मैं विदाउट पीडीएफ पढ़ता हूँ मैम, दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता है, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया पीडीएफ के बिना पढ़ता हूँ। हाँ प्राइवेसी डे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट सुनिएगा, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित पर्सन जिनका नाम क्या है, मिलेना सालवानी। मैंने कल आपको ये नाम पढ़ाया था, आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि इनका जो नाम है वो इसमें से कौन से पीढ़ से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा था कि ये जो है ये इंडिया से बिलोंग नहीं करती थी बल्कि इटली से बिलोंग करती थी, बट ये कई बार भारत के अंदर आई और इनको सबसे ज़्यादा केरला पसंद आया। जब इनको केरला पसंद आया तो वहाँ पे इन्होंने कथकली डांस फॉर्म को सीखा, और वापस जाने के बाद में इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट भी खोला इटली के अंदर जहाँ पे कथकली डांस को सिखाया जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो नाम है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, कथकली डांस के साथ में। अगर आपसे कथक पूछा जाए तो तुम क्या कहोगे, तो तुम बोलोगे इट्स ऑफ यूपी। अब क्लासिकल डांस कितने हैं, 8 हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्लासिकल डांस के अलावा क्लासिकल लैंग्वेजेस अगर आपसे पूछी जाती हैं तो कितनी हो जाएंगी, 6 आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, कितनी, 6 आपको देखने को मिलेंगी। आर्मी फैन, ओके, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अगला देखो, कहा जा रहा है माई सी जी एच एस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक वेबसाइट है और मोबाइल ऐप है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, रचना, ओके। पीडीएफ का देखो, एक्चुअल में मैं तुमको बताऊं तो पीडीएफ का यूज क्या होता है, देखो समर्स के टाइम पे हम पीडीएफ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जैसे कि मान लो कि ऐसे पंखा बनाने के लिए, है ना। और दूसरा जब आता है हमारा मॉनसून का टाइम पीरियड, तब पीडीएफ का इस्तेमाल कब होता है, अब जैसे कि मान लो कि कहीं गए हैं, बारिश हुई है, अब चीज़ें वहाँ पे गीली वीली आए हुए पड़ी रहती हैं, तो बेटा उसको साफ करने के लिए। और फिर क्या होता है, जब उनके छोटे भाई बहन होते हैं तो उनको क्या चाहिए होती है, उनको नाव बनानी होती है, तो उसके लिए भी पीडीएफ का इस्तेमाल होता है। और जब विंटर्स का टाइम आता है तो मूंगफली खाने के लिए, समोसे खाने के लिए, जलेबी खाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअल में पीडीएफ का रियल यूज तुम लोग यही करते हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ पीडीएफ वेस्ट होता है, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे किसी काम का नहीं है, समझ गए। चलिए अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मनसुख मंदाविया। आपको मालूम है कि जब मनसुख होता है तभी जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, तो मनसुख मंदाविया अंकल कौन है, ये है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। ये कौन है, ये है लॉ मिनिस्टर, और ये कौन हो जाएंगे, ये है रेलवे मिनिस्टर, और ये कौन है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, इनके पास में आपको मिलेगी। तो ये वो नाम है जो आपको यहाँ पे मालूम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट नाम है। इसी के साथ में मैंने आपको बताया था इंडिया ने स्पाइसेस के लिए भी एक ऐप को लॉन्च किया है, और स्पाइसेस के लिए ये ध्यान रखना इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसको जाना जाता है, दैट इज केरला। अगला सवाल बताइए, हम्म,
तुर्कमेनिस्तान ने बेटा अपना नाम चेंज नहीं किया है, एक्चुअल में टर्की जो है वो अपना नाम चेंज करने के बारे में सोच रहा है, तुर्कमेनिस्तान ने कुछ नहीं किया है। ओके, अगला सवाल सुनिएगा। कहा जा रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग बताओ, इंडिया की रैंकिंग क्या बनेगी? राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। इंडिया की रैंकिंग 85 इंडिया की रैंकिंग, श्योर है? चलो आज जान लेते हैं इसका आंसर बनेगा 85। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए इससे पहले कितना था, तो 86 हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे कहूँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो थोड़ी सुधरी है। ये जो यहाँ पे आपको 63 नजर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी रिपोर्ट आना अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसको रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, इसमें टॉप पे कौन सा है? इसके अंदर टॉप पे आपको कौन देखने को मिलेगा? एंटोनियो करेक्ट है। देखो इसका करेक्ट आंसर बनेगा न्यूजीलैंड, डेनमार्क एंड फिनलैंड। एक्चुअल में तीनों जो देश हैं ये आपको नंबर वन पे देखने को मिलते हैं। टोटल 180 देशों में से इसके डेटा को निकाला गया, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 140 थी। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक, इसको अभी हाल ही में मर्ज किया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। सवाल में कहा जा रहा है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दीपेंद्र, ओके, पल्लव, सिली, कोमल, ओके, मंगलम। इसका राइट आंसर बनेगा मुंबई के अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है श्याम मोहन, मैंने देख लिया बच्चा तुम्हारा मैसेज। अच्छा अब सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब बनाया गया, तो भैया इसको तो अभी हाल ही में बनाया गया है। पीएमसी बैंक जो है यहाँ पे घोटाला हुआ था, जिसके बाद में क्या हुआ, आरबीआई का जो एक्ट बना हुआ है 1949 का, उसके सेक्शन नंबर 45 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे दोनों को मर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला सवाल, आईएमएफ ने अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करी है, जिसके हिसाब से भारत की इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी, जिसके हिसाब से भारत की इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी? एयरटेल, आपको हमारी फिक्र रहती है, हम अभी पहले से बहुत बेहतर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी फिक्र रहती है। ज्यादा फिक्र मत करो वरना मम्मी ना तुमको फिकरा बना देंगी। चलो इसका देखिए, इसका आंसर क्या होगा, 9% इज द करेक्ट आंसर। सुनो आईएमएफ की जब बात आएगी तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में इन्होंने बोला है कि इंडिया की जीडीपी हो या फिर वर्ल्ड की जीडीपी हो, वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, राइट। दूसरा पॉइंट, आईएमएफ जो है इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी के अंदर मिलेगा, और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि आईएमएफ में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, तो दैट विल बी 190 कंट्रीज। अगर वर्ल्ड बैंक पूछा जाएगा तो वर्ल्ड बैंक के अंदर टोटल 189 कंट्रीज आपको मिलेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अरे यार तुम लोग फिकर नहीं करोगे तो कौन करेगा, कैसी बातें करते हो। बट आई एम अभी काफी बेटर है, पहले से बहुत बेटर है तबीयत, थोड़ा सा अभी टॉन्सिल्स हैं तो वो क्योर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, बताइए परम विशिष्ट सेवा मेडल से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर बनेगा नीरज चोपड़ा। लवलीना जो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये बॉक्सर है, आसाम से बिलोंग करती है, अभी हाल ही में इन्होंने मेडल जीता था। मीराबाई चानू इंडिया के लिए ओलंपिक्स के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे पहला मेडल इन्होंने जीता, दैट इज सिल्वर मेडल। मैरी कॉम इस बार मेडल नहीं जीत पाई, बट 6 बार ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं विद इन द बॉक्सिंग। ठीक है, रवि धैया फ्री स्टाइल रेसलर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए असम वैभव 2021 के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है आसाम की सरकार के द्वारा? आसाम की सरकार के द्वारा बताइए। चलो अमजद, रितिका, ऑल राइट। चलिए इसका करेक्ट यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा रतन टाटा। सिंपल है, यहाँ पर रतन टाटा जी की जब हम बात करेंगे तो उनकी किताब भी आने वाली है नवंबर 2022 में। सेकेंडली एयर इंडिया जो है वो पूरी तरीके से अब रतन टाटा जी के पास में आ चुका है। देखो यार एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे, कहा जा सकता है कि ये जो एयर इंडिया है इसका एक आपने देखा होगा एक फोटो बना होता है, एक मैस्कॉट बना होता है, उनका नाम क्या है? महाराजा।
क्या बोलते हैं उनको, महाराजा बोलते हैं, तो वो याद रखना। सवाल देखो कुछ भी बन सकता है ना, तो आपको तैयार होना पड़ेगा हर एक पॉइंट के लिए। अगला बताइए, इसमें से कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। मैंने परसों आपको रात में 8 बजे, नहीं कल सुबह मैंने पढ़ाया था आपको 10:15 बजे, बताओ। याद रखना है, इस क्लास के जस्ट बाद में आपका अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है 8 बजे, जहां पे आपको जनवरी का कंपाइलेशन पढ़ाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह जी को यहाँ पर इस अवार्ड से नवाजा नहीं गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अक्षक। ओके, अगला सुनिए, पद्म भूषण अवार्ड आपको बताना है टोटल कितने लोगों को दिया गया, टोटल कितने लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दो, मुझे पता है आज पेपर है बट फिर भी एक बार से शेयर मार दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, पद्म भूषण अवार्ड पूछा गया है, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड है। अगर विभूषण पूछा जाता तो आप कितना बोलते, तब आप यहाँ पे 4 बताते, लेकिन यहाँ पे भूषण अवार्ड पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो बस आपको क्या आंसर करना है, 17 विल बी द करेक्ट आंसर। और टोटल अगर मैं आपसे पूछ लूँ टोटल कितने अवार्ड दिए गए, टोटल अवार्ड बताओ कितने दिए गए इस बार, टोटल नंबर कितना है, जल्दी बोलो टोटल कितना है। ओके अच्छा, पूरा डिवाइड करके बता दिया लड़के ने, सही है बेटा। चलो अगला सुनिएगा, आईपीएल की अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो ये अभी ओन करी गई है किसके द्वारा, राजीव गोयनका जी के द्वारा, और इसके जो कैप्टन बनाए गए हैं वो हैं केएल राहुल। सवाल में कहा जा रहा है कि लखनऊ की जो आईपीएल टीम है उसका नाम क्या है, मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था, उम्मीद करेंगे कि आपने इसको सॉल्व भी किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ सुपर जायंट। आप कहोगे मैम अहमदाबाद वाली टीम, वो अभी नहीं पता। इस बार आईपीएल के अंदर टोटल आपको 10 टीमें देखने को मिलेंगी। अब देखो 2022 में होना तो है, लेकिन जब से नया वाला वायरस आया है ना, तब से चीजें जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। अगला, हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे अपना कब मनाता है, हिमाचल प्रदेश अपना स्टेटहुड डे कब मनाता है। अच्छा, जो क्लास अभी होगा जनवरी का कंपाइलेशन 8 बजे, उसमें पोल होगा कि नहीं होगा बता देते, कुछ क्वेश्चन में हम पोल दे देंगे, कुछ में पोल नहीं देंगे, ठीक है, पहले बता दिया। देखो बताइए, बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बनेगा 25th of January। याद रखिएगा कि हिमाचल को स्टेटहुड का दर्जा कौन से ईयर में दिया गया, 1971 में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट सुनिएगा, रिपब्लिक डे 26th of January को जो सेलिब्रेट किया गया है वो कौन से नंबर का है, वो कौन से नंबर का है। देखिए रिपब्लिक डे जो है वो है यहाँ पे 73rd नंबर का, और ये ध्यान रखना कि इसको सेलिब्रेट किया गया है 75th एनिवर्सरी जो आने वाली है आज़ादी के अमृत महोत्सव, उसके अंडर में इसको सेलिब्रेट किया गया है, यानी कि 15th of August। 15th of August, इंडिया को कितने साल पूरे हो रहे हैं, इतने साल, और रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है ये क्यों, अरे भैया भूल गए 26th of January 1950, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट एडॉप्टेशन ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो गलत मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टेचू है उसको अनवील किया गया। सवाल कह रहा है कि किस जगह पर, नेम द प्लेस, नेम द प्लेस। ओके, करेंट अफेयर्स का टेस्ट जो है वीकली वाला, वो भी अनअकैडमी पे ले रिहा। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं अगर ऐसा मौका लगेगा तो। ओके आई विल, इसका आंसर बनेगा नई दिल्ली। ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल वॉर मेमोरियल जो आपको देखने को मिलता है वहीं पर क्या हुआ है, अमर जवान ज्योति जो है उसको उठा के वहां पे लाया गया, यानी कि उसको मर्ज किया गया, ठीक है। अब वो जो जगह खाली हुई थी वहां पर क्या होगा, उसके नियर अबाउट वाले एरिया में दिल्ली के अंदर इंडिया गेट वाला जो रीजन है वहां पर इनकी एक स्टैचू जो है उसको लगाया जाएगा, जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ पहला एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस ये कहाँ पर रिलीज किया गया, यानी कि वर्ल्ड एटलस से मतलब हो गया कि वर्ल्ड की काउंटिंग्स करी गई हैं, ठीक है। इससे पहले आसाम के अंदर हुआ था, बट ये एशिया का भी सबसे बड़ा है, और ये कौन से स्टेट के अंदर अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया, बताओ। अरे वाह, ब्रह्म कमल कैप ऑफ उत्तराखंड, गजब बेटा गजब, बहुत बढ़िया जवान राकेश, गुड। चलिए अच्छा, इसका आंसर बनेगा केरला के अंदर, ठीक है। आयुषी अननोन
नितिका ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे आओ। बताओ, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में कितना अमाउंट यहाँ पे लोन के रूप में दिया है वेस्ट बंगाल को, ताकि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके और जो यहाँ पर पुअर लोग हैं वो भी यहाँ पे हर एक फैसिलिटी को एक्सेस कर सके। ये सवाल उतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ वर्ल्ड बैंक लगा हुआ था तो एक बार से मैंने सोचा कि आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो है 125 मिलियन USD का अमाउंट लोन के रूप में दिया गया है। ये पैसा वेस्ट बंगाल को वापस भी करना पड़ेगा, बट अभी ये पैसा दिया गया है किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए इस पैसे को दिया गया है। अगला, गुड डॉट के अंदर अभी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? आंसर, किसका अपॉइंटमेंट किया गया? दिवाकर, अभी दिखा बच्चा, हाँ जी बताइए किसका अपॉइंटमेंट किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। ये ध्यान रखिएगा कि नीरज चोपड़ा को भी अभी हाल ही में पद्म अवार्ड दिया गया। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया अवार्ड दिया गया, उससे पहले इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पीवी सिंधु की बात करोगे तो अभी हाल ही में सैयद मोदी ट्रॉफी ये इन्होंने जीती है, लखनऊ के अंदर उसका आयोजन हुआ था और ये बीबीडी बाबू बनारसी दास जो कॉलेज है उसके इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। तो विमेन वाला तो हुआ था, मेन वाला कंडक्ट नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि वहां पे कोविड हो गया था, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बनेगा ये। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को दिए गए हैं, 29 बच्चे थे जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। कहा जा रहा है कि इसमें कैश मनी जो है वो कितना दिया गया? कैश मनी कितना दिया गया बताइए। हाँ हाँ, लालू, मुकेश, विष्णु, ओके, इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1 लाख रुपए जो है वो इसके अंदर क्या राशि के रूप में दिया गया, ठीक है? एक आध अवार्ड तो हम लग रहे हैं तुमको भी दिलवाना पड़ेगा हमको। अगला बताओ, कोजिकल, अभी आपको याद होगा कि ये तमिल की मूवी है, ऑस्कर के लिए इसका नाम नॉमिनेट भी हुआ था। उसके बाद में आपने देखा कि एक मूवी है जिसका नाम है जय भीम, इसको नॉमिनेट किया गया और ये भारत की तरफ से पूरे ऑस्कर की हिस्ट्री में 4थी मूवी है जिसको मूवीज की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया लगान के बाद में, ठीक है? ये क्या है, दिस इज अ शॉर्ट मूवी। अभी हाल ही में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सी भाषा में है ये शॉर्ट मूवी, कौन सी भाषा में है? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, बताओ क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा तमिल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? अगला सुनिएगा, रचिल हिल हॉल फ्लिंट ट्रॉफी, अभी आईसीसी के द्वारा ये ट्रॉफी जो है ये दी गई है 2021 की। सवाल में पूछा जा रहा है कि विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है, किसको दिया गया है ये खिताब? आंसर भाई, जो बच्चे ऐसे हैं जो अन अकेडमी पे ज्वाइन नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस क्लास के जस्ट बाद में एक ही आज आपका स्पेशल क्लास होता है जो कि आपका कब रहेगा, 8 बजे रहेगा। और हाँ एक चीज और बता दें, ओपन हाउस सेशन, आपने इसका नाम सुना होगा, अन अकेडमी का एक नया फीचर है जहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे और एजुकेटर आपसे बात करेगा। ओपन हाउस वाला जो सेशन है वो 1 और 2 तारीख को आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते, चाहे आप पेड स्टूडेंट हो चाहे आप यूट्यूब स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए रहेगा ये, ठीक है? तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। चलिए फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये बनेंगे स्मृति मंधाना। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022 ये एक्सरसाइज भूमध्य सागर में कंडक्ट करी गई है। आपको बताना है यहां पर कि किसके द्वारा आयोजित करी गई, किसके द्वारा ये आयोजित करी गई बताओ। हाँ बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बनेगा नाटो, ठीक है? और नाटो की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया था कि नाटो के अंदर टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और नॉर्थ मैसेडोनिया इज द न्यू मेंबर, इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स के अंदर मिलेगा। अगला, नेशनल वोटर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वोटर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? अब वोटर्स डे की बात आई है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बनाया गया था तो वो तारीख क्या थी, 25 जनवरी वो तारीख थी
1950, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 25th ऑफ जनवरी इसका राइट आंसर बनेगा। अगर मैं तुमसे यहीं पर बोलूं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ओके, अगला बताओ, नेशनल टूरिज्म डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे टूरिज्म के लिए विलेज पूछा जाएगा तो पोचमपल्ली, उसको बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड दिया गया तेलंगाना के अंदर। अब आपसे कहा जा रहा है कि टूरिज्म डे इंडिया में कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को होगा, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल या वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये कब होगा, तो ये होगा 27th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थिरु आर नागास्वामी, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, सवाल में कहा जा रहा है इनका नाम कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। आंसर चलो देख लेते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों कैटेगरी के साथ में इनका जो नाम है वो जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। अगला कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में 20 ऐसी फ्रीडम फाइटर फीमेल्स थी जिनके ऊपर कॉमिक्स रिलीज करी गई है। सवाल में कहा जा रहा है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये कॉमिक्स को रिलीज किया है, आपको मिनिस्ट्री का नाम बताना है, ये कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे कह दूं, गपशप कर सकते हैं, बहुत पिटाई होगी अगर किसी ने भी मुझसे फालतू के सवाल पूछे, तो वहीं पे उसकी पिटाई तय, मैं बता रही हूँ, ठीक है, पिटाई उसकी तय है वहीं पर। बताओ इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, जो बात मुझे कहनी थी वो मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दो दो तीन तीन चार चार क्लासेस छूट जाते हैं, तो आप ये मत सोचा करो कि चलो ठीक है पूरे मंथ का कंपाइलेशन पढ़ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखो काम तो हो जाएगा लेकिन बहुत बेहतर काम नहीं हो पाएगा, बात समझ रहे हो, पता नहीं कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट पूछ लिया जाए, तो इसीलिए बोलते हैं कि रेगुलर क्लासेस किया करो। हाँ, कभी किसी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दो तीन क्लासेस मिस कर गए, नहीं हो पाया, तो चलो ठीक है मैनेज कर लो, है ना, बट जबरदस्ती क्लासेस को स्किप मत किया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए मिशन पानी जल शक्ति, मैम ये सवाल तो आप नींद में भी पूछ लेते हैं, ऐवे ही इसका आंसर कर देते, बताओ तो जरा कौन बनाई गई हैं एम्बेसडर। ध्यान दीजिएगा, आलिया भट्ट वो हैं जिनको पेटा अवार्ड मिला, सोनाक्षी सिन्हा को साइडलाइन करो, दिशा पटानी को साइडलाइन, ओके, दीपिका पादुकोण, ध्यान रखिएगा कि इनके फादर को बैडमिंटन के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, कैसा लगता है ना इनके फादर को, कितना प्राउड फील होता होगा ना इनको, ओके। दूसरा, दीपिका पादुकोण वही पर्सन है जिनको क्रिस्टल अवार्ड से भी नवाजा गया, और इसका करेक्ट आंसर बनेगा उर्वशी रौतेला, समझ गए, जानते ही होंगे आप इनको। खैर नेक्स्ट पे आइए, कहा जा रहा है वुहान के साइंटिस्ट ने जो नाक में दम किया है, दैट इज नियो COV, पूछा जा रहा है कि ये बताओ भैया इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है। आपको मालूम है कि ये जो वायरस है एक्चुअल में ये सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, साउथ अफ्रीका के अंदर, बट ये स्टार्टिंग में 2012-2015 में ये कहाँ पे देखने को मिला था, मिडिल ईस्ट एशिया में मिला, इसीलिए इसको SARS की कैटेगरी में नहीं बल्कि MERS की कैटेगरी में रखा गया है, मिडिल ईस्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, इंडिया का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द पोमेग्रेनेट, अनार के लिए कौन सा कंट्री बना, कौन सा कंट्री बना। सेम नाइन का एग्जाम है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और जितने बच्चों का आज उड़ीसा वाला पेपर है, विश यू ऑल 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 द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आइएगा। बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर, शेख हसीना जी यहाँ की PM है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो आपको कबड्डी देखने को मिलेगा। अगला, डिजिटल संसद ऐप अभी हाल ही ने कौन से देश ने जारी किया, तो ये भारत के द्वारा जारी किया गया है, 1st ऑफ फेब को इसको लॉन्च किया जाएगा, आज क्या है 30 तारीख है, ओके, 1st ऑफ फेब को इसको लॉन्च किया जाएगा क्योंकि उस दिन आएगा इंडिया का बजट, कल है 31 तारीख और कल आएगा इकोनॉमिक सर्वे, तैयार रहिएगा इसके ऊपर, शाम में 8 बजे हम क्लास लेंगे इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, जो जो की पॉइंट्स होंगे कल शाम को 8 बजे ही हम आपको पढ़ा देंगे, कहानी खत्म करेंगे इसको, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि फिर फायदा कुछ नहीं है, ओके। चीरू 2022 है ना, लेकिन इन्होंने इसको आइसन लिखा है, पता नहीं क्यों क्यों लगा दिए, अब क्या बताएं, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर आयोजन किया गया इस एक्सरसाइज का, चाइना, ईरान, और अगला देश कौन सा है जिसने इसका आयोजन किया है, हाँ बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रशिया, चाइना एंड ईरान, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे वीक का करंट अफेयर्स रिवाइज करा दिया। अब पूरे महीने के करंट अफेयर्स के लिए 8 बजे फटाक से पहुंचिए, टेलीग्राम पे लिंक ऑलरेडी है प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कल की पीडीएफ शेयर नहीं हुई है, हम भूल गए थे, मुझे याद है, मैं आज उसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी आपसे मिलते हैं 8 बजे। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आपका जो नया पेड बैच है इसमें कुछ है, रुक जाओ, क्लास को क्विट मत करना, ध्यान से सुन लो। 26 तारीख से शुरू हुआ है, आइकॉनिक फीचर प्रायोरिटी आपको मिलती है, आज का डाउट का सेक्शन भी है, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ में रेज योर हैंड का भी ऑप्शन है। और अब आपको बता दें, 1 साल या 2 साल का जब आप ज्वाइन करेंगे 10% ऑफ नहीं, 20% ऑफ है, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए है, 30 तारीख और 31 तारीख को, ये ध्यान देना। आपको कोड यूज करना है कृति 10, और जब आप ये कोड यूज करोगे तो ये अमाउंट जो आपका अभी तक 10% कम होता था, ये आपका 20% कम हो जाएगा। बट पॉइंट इज कि सिर्फ 2 दिनों के लिए है, नया बैच आपका वेडनेसडे को शुरू हो चुका है एक, और अगला नया बैच आपका फिर से वेडनेसडे को स्टार्ट होगा। आप मेरे क्लासेस पढ़ो, किसी दूसरे एजुकेटर के क्लासेस पढ़ो, जीएस पढ़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जितने घंटे मनाए उतने घंटे पढ़ो, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इट्स ओनली फॉर द 2 डेज। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे जाइए, वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर पाओगे एसएससी कैटेगरी के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, लिंक हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे क्लास के बाद में, आप डायरेक्टली भी वहां से ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल की फी 6500 है, पॉइंट्स लगा देना और कोड लगा देना प्रति 10, तो ये अमाउंट तुम्हारा जाके कितना बनेगा, करीबन 5000 के आसपास बनेगा पूरे साल भर की फी। किसी दोस्त के साथ में जुड़ के पढ़ना चाहो उसके साथ में पढ़ लो, पढ़ाई करने के 100 तरीके अगर पढ़ना चाहो तो। 2 साल के लिए ज्वाइन करना है 7800 है, इसके ऊपर भी 20% ऑफ, बट 2 दिनों के लिए, ओनली फॉर द 2 डेज, ठीक है। तो इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा आज तो टेस्ट भी लगा है भाई, 60 सवाल 60 मिनट और स्कॉलरशिप, कोड प्रति 10, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ही मिलेगा, रिपोर्ट इन विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं 8 बजे, चाय कॉफी लेके फटाक से क्लास में पहुंचिए। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।